Good morning, students. So we are continuing with computer programming using C chapter 1. So the last topic is program debugging. We have learned about program, what is program, what are the steps for developing a program, what is algorithm, what is flowchart, what are the symbols used to create a flowchart. We have learned all thing about these things. So further moving onward, we will just have a look on program debugging. What is program debugging? So computers are programmed by human beings. Computer programs will subject to an error. Program error are known as bugs, and the process of detecting and correcting these error is called debugging. So usually start mein agar dekhe to ye kya keh rahe hain, ye bol rahe hain ki wait a second, ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की बेसिकली बनाया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो सब्जेक्ट टू एरर है. सब्जेक्ट टू एरर मींस देयर आर लॉट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू दैट कि प्रोग्राम में कोई ना कोई छोटा सा एरर आ जाए. तो वो प्रोग्राम एरर्स को हम यूजुअली बोलते हैं बग्स. और प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग दीज एरर इज कॉल्ड एज डिबगिंग. मीन्स प्रोग्राम डिबगिंग क्या है कि हम प्रोग्राम में एरर को फाइंड करें, उसको करेक्ट करें. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्राम डिबगिंग. सो कंप्यूटर में अगर यूजुअली क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज प्रोग्राम डिबगिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग द एरर विच इज अवेलेबल इन ए प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्राम डिबगिंग. मीन्स प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे ठीक करना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्राम डिबगिंग. यूजुअली टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग डिबगिंग का रोल आता है. जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग में हर केस को यूज़ किया जाता है, और किसी ना किसी केस में कोई ना कोई सिचुएशन में एक एरर जनरेट हो जाता है. अगर हम अब एरर की बात करें, एरर क्या है? एरर इज़ अ सिंपलिसिटी इफ़ यू टॉक अबाउट एरर, एक छोटी सी मिस्टेक है जो प्रोग्राम को रन होने से रोकती है. एरर एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रोग्राम अपनी जो डिज़ायर आउटपुट है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता. प्रोग्राम डिबगिंग में हमें सबसे पहले आता है हमारे पास कितने तरह के एरर्स हैं. डिबगिंग हम कर रहे हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एरर कितने तरह के होते हैं. तो यूजुअली एरर्स तीन तरह के होते हैं, जिनमें है सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर. तो हम इन एरर्स को चेकआउट करेंगे. सबसे पहले हमारे पास सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर क्या है? सिंटेक्स एरर यूजुअली कब आता है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. जब उन रूल्स को हम फॉलो नहीं करते तब एक सिंटेक्स एरर जनरेट होता है. यूजुअली अगर बात करें, सिंटेक्स एरर आर ऑल्सो नोन एज कंपाइलेशन एरर. सिंटेक्स एरर को हम एक और एरर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है कंपाइलेशन एरर. एज दे अकर्ड एट द कंपाइलेशन टाइम, और वी कैन से दैट the syntax error are thrown by the compiler. These error are mainly occurred due to the mistake while typing or do not follow the syntax of the specific programming language. अगर हम कोई programming language को use कर रहे हैं, उसका अगर हम syntax नहीं follow करते या उसका syntax हम follow कर रहे हैं but लिखते time कोई छोटी सी mistake कर जाते हैं, जो typing mistake हो जाती है, तब भी syntax error आता है. अगर हमको हमें बेसिकली सिंटेक्स नहीं पता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और हम उसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें भी हमें सिंटेक्स एरर को फेस कर सकते हैं. चलो एक एग्जांपल देखते हैं सिंटेक्स एरर की. यहाँ पर हमारे पास है, इफ़ वी वांट टू डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. हम एक वेरिएबल, अभी हमने शुरू में पढ़े थे वेरिएबल्स, जब भी हम कोई एल्गोरिथम बना रहे थे तो हमारे पास वेरिएबल्स का जिक्र हो रहा था कि वेरिएबल्स होते हैं एल्गोरिथम जब हम क्रिएट करते हैं, तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंसली हम वेरिएबल लेते हैं. सो वही अगर हमें एक वेरिएबल बनाना है किस टाइप का, इंटीजर टाइप का. इंटीजर टाइप क्या होती है? जो नंबर्स अपने अंदर स्टोर कर सकती है. जो नंबर्स होते हैं 0 से माइनस 2 लेके प्लस तक जो नंबर्स हैं उन्हें इंटीजर बोल सकते हैं हम, राइट. तो हमारे पास इंटीजर ए सेमी कॉलर, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म है. हमें जब हमें कोई इंटीजर का वेरिएबल बनाना है तो हमारे पास एक सिंटेक्स है जिसका नाम है इंट, int a सेमीकॉलन. हम a क्या है? नेम ऑफ द वेरिएबल, सेमीकॉलन टर्मिनेशन सिंबल, int क्या है? जो हमारे पास डाटा टाइप है.
तो अगर इस इंट का आई अगर मैं कैपिटल डाल देता हूँ, ये जो आई हमने यहाँ पे डाला है, ये अगर मैं कैपिटल डाल देता हूँ और एन टी साथ में लिख देता हूँ और ए लिख देता हूँ, तो ये हमारा दिस इज़ एन इनकरेक्ट फॉर्म। क्यों इनकरेक्ट फॉर्म है? जो आई एन टी स्मॉल है वो हमारे पास सी में अवेलेबल है, आई एन टी विद आई कैपिटल इज़ नॉट अवेलेबल इन सी प्रोग्राम। तो ये जो आई एन टी आई विद कैपिटल है वो कंपाइलेशन एरर बन जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं सिंटेक्स एरर। तो फर्दर मूव करें, सिंटेक्स एरर के बाद हमारे पास आता है रन टाइम एरर। यूजुअली कंपाइलेशन एरर के बाद हम उसे सेम नेम के साथ दे सकते हैं, रन टाइम एरर। एक होता है कंपाइलेशन जब हम कंपाइल करते हैं, एक होता है रन जब हम रन करते हैं तब कोई एरर आता है। तो रन टाइम एरर क्या है? सम टाइम द एरर एग्जिस्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम इवन आफ्टर द सक्सेसफुल कंपाइलेशन। कभी कभी कंपाइलेशन सक्सेसफुल रन हो भी जाती है, फिर भी हमारे पास आगे एरर आता है, उस एरर को हम बोल देते हैं रन टाइम एरर। व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन द मेन कॉज ऑफ द रन टाइम एरर इज सॉरी व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग एंड इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म द ऑपरेशन इज द मेन कॉज ऑफ रन टाइम एरर। मतलब प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है पर वो फिर भी जो मेन ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो हम उसे कह सकते हैं रन टाइम एरर। द डिवीजन बाय जीरो इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रन टाइम एरर। दीज एरर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एज द कंपाइलर डज नॉट पॉइंट दीज एरर। तो ये एरर काफ़ी मुश्किल होते हैं फाइंड करने, क्योंकि कंपाइलर हमें ये एरर फाइंड आउट करके नहीं दे सकता। तो इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने बीच में ही डिस्कस कर लिया है, डिवीजन बाय ज़ीरो। लेट अस सपोज मैं दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। ए में हमारे पास है कोई वैल्यू, लेट अस सपोज ए में वैल्यू है 10, राइट। बी में वैल्यू है 10 के बाद यहाँ पर मैं सेमी कॉलन डाला हुआ है, बी में वैल्यू है 0। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक थर्ड वेरिएबल में, लेट अस सपोज वो मेरा थर्ड वेरिएबल है सी, उसमें क्या कर रहा हूँ, ए डिवाइड बाय बी सेव करवा रहा हूँ, ए डिवाइड बाय बी सेव करवा रहा हूँ। तो कंपाइलेशन टाइम में चेक होगा हमारा कंसेप्ट कि ए लिखा हुआ है, इक्वल टू भी डाला है, 10 डाला है, सेमी कॉलन डाला है, बी लिखा हुआ है, इक्वल टू डाला है, 0 डाला है, सेमी कॉलन डाला है, सी लिखा है, इक्वल टू डाला है, ए डाला है, डिवाइड डाला है, बी डाला है, सेमी कॉलन डाला है, एवरीथिंग इज फाइन। मीन्स कंपाइलेशन टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब रन होगा ये प्रोग्राम तो 10 डिवाइड बाई 0 इज अ मैथ एरर, जिसे हम बोल देते हैं रन टाइम एरर। तो इस सिचुएशन पे यहाँ पर एक रन टाइम एरर आ जाएगा, वी कैन नॉट डिवाइड ए नंबर विद 0। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक होता है हमारे पास सिंटेक्स एरर, जो हमारे एक मिस्टेक की वजह से या सिंटेक्स की मिस्टेक की वजह से जनरेट होता है। एक होता है हमारे पास रन टाइम एरर, जो क्या होता है कि बेसिकली हम कोई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो सिंटेक्स एरर नहीं होता, बट एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होता है, एरर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ायर आउटपुट है वो नहीं आ पाती, तो उसे हम बोल देते हैं रन टाइम एरर, राइट। तो फर्दर अगर मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या है? द लॉजिकल एरर इज एन एरर दैट लीड्स टू एन अनडिजायर्ड आउटपुट। दीज एरर प्रोड्यूस द इनकोरेक्ट आउटपुट बट दे आर एरर फ्री, नोन एज लॉजिकल एरर। दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स आर मेनली डन बाय बिगिनर्स। द अकरेंस ऑफ दीज एरर मेनली डिपेंड अपॉन द लॉजिकल थिंकिंग ऑफ द डेवलपर। लॉजिकल एरर क्या है? कुछ इस तरीके के एरर होते हैं जिसकी वजह से हम आउटपुट तक नहीं पहुंच पाते। ये तो ऑब्वियस है, ये तो एरर की डेफिनेशन होगी। एरर अगर आ रहा है तो मतलब हम डिजायर आउटपुट अचीव नहीं कर पा रहे। तो लॉजिकल एरर में क्या हो रहा है? ना सिंटेक्स में मिस्टेक है, ना रन टाइम पे कोई मिस्टेक है, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर आउटपुट। ये लॉजिकल एरर है। ये हम इन प्रोग्रेस में अगर आगे जाएंगे तो हमें ये लॉजिकल एरर अच्छे से समझ आएंगे। यूजुअली ये कोई सिंटेक्स की फॉर्म में, लेट अस सपोज मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है फॉर लूप, जो प्रॉपरली नहीं बन पा रही। फॉर लूप के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, 1, 2 and 3 पैरामीटर्स। और उसके बाद यहाँ पर एंड में फॉर लूप के अगर बाई चांस कोई पर्सन सेमी कॉलन लगा देता है, तो वो सिंटेक्स की फॉर्म में देखा जाए तो वो मिस्टेक नहीं है। अगर हम उसे प्रॉपरली चेक करें सिंटेक्स फॉर्म में, तो उसे हम बेसिकली किसी भी काइंड की
मिस्टेक नहीं मानेंगे, कारण क्योंकि फॉर लूप के एंड पे सेमी कॉलन लग सकता है, राइट। बट अगर फॉर लूप के एंड में हम सेमी कॉलन लगा देंगे तो हम डिजायर्ड आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसको समझने के लिए पहले हमें फॉर लूप के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए जब हम फॉर लूप तक पहुंचेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे किस लॉजिकल एरर के बारे में, क्या होता है ये लॉजिकल एरर, राइट। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फर्स्ट प्रोग्राम को एक बार चेकआउट कर ले, हमने पहले भी ये प्रोग्राम देखा, हम दोबारा एक बार चेक करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें सिंटेक्स एरर या लॉजिकल एरर या रन टाइम एरर कैसे जनरेट हो सकता है। यूजुअली अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर यूज हो रहा है हैश, ओके लेट मी गेट द पेन, ओके सबसे पहले ऊपर हमारे पास यूज हो रहा है हैश। हैश हमने फर्स्ट डे ही देखा था, हैश क्या होता है, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मीन सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल जो है इंक्लूड होगी प्रोग्राम में। उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ये हेडर फाइल भी इंक्लूड होगी, राइट। तो हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड हो चुकी हैं। उसके बाद void main, ये मेन फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, void, मतलब कुछ नहीं रिटर्न कर रहा, नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिखा है, यहाँ सेमी कॉलन लगा है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड हो रहा है, हेलो वर्ल्ड एज इट इज़ प्रिंट होगा, गेट सी एच लगा हुआ है। अब इस प्रोग्राम में देखा जाए तो कोई एरर नहीं है, दिस प्रोग्राम इज गिविंग एस डिज़ायर आउटपुट। बट अगर मैं यहाँ पर इस सेमी कॉलन को मिस कर दूँ, यहाँ मैंने सेमी कॉलन लगाया, अगर इस सेमी कॉलन को मैं मिस कर दूँ तो हमारे पास कौन सा एरर बनेगा, तो हमारे पास वो बनेगा सिंटैक्स एरर। क्यों सिंटैक्स एरर बनेगा, वो जब हम कंपाइल करेंगे तो वहाँ पर ही वो शो कर देगा कि ये एक एरर है, इसको हम रन नहीं कर सकते, राइट। क्यों नहीं रन कर सकते, बिकॉज ये सिंटैक्स जो है वो एक्यूरेट नहीं है। सिंटैक्स एरर और भी कई फॉर्म में हो सकता है, प्रिंट एफ का पी मैं कैपिटल डाल दूंगा तो वो कहेगा प्रिंट एफ फंक्शन इज नॉट अवेलेबल, ये फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो भी एक सिंटैक्स एरर होगा, कंपाइलेशन टाइम पे ही आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स एरर। अगर इस प्रोग्राम में रन टाइम एरर की बात करें तो मैं अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं अंदर हेलो वर्ल्ड नहीं लिखता, इन डबल कोड को मैं खाली छोड़ देता हूँ, तो वो एरर बनेगा कोई, जब हम रन करेंगे कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा, बट आउटपुट क्या आएगी, ब्लैंक आउटपुट आएगी, मतलब जो हमारी स्क्रीन होती है आउटपुट वाली उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो रन टाइम पे हमें एक डिज़ायर आउटपुट नहीं मिली जो हमें चाहिए थी, तो मतलब ये रन टाइम एरर एक जनरेट हो गया, मतलब एक ऐसा एरर आ गया जिसकी वजह से बेसिकली हम एग्जैक्टली जो हम आउटपुट चाहते थे वो नहीं मिल पा रही, राइट। तो इसे हम एग्जैक्टली लॉजिकल एरर भी बोल सकेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सिंटैक्स एरर नहीं है, रन टाइम पे भी एग्जैक्टली कोई वार्निंग या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी, इट इज़ अ काइंड ऑफ ए लॉजिकल एरर, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं क्लियर स्क्रीन, ये जो क्लियर स्क्रीन है इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ गेट सी एच के बाद, तो क्लियर स्क्रीन का कोई इतना यूज़ नहीं रह जाएगा, तो ये भी एक एरर की फॉर्म ही हो जाएगी। तो यही हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली काइंड ऑफ एरर और सिंटेक्स में कैसे होता है, ये हम डिटेल में प्रैक्टिकल सेशन में देख पाएंगे जब हम प्रैक्टिकल खुद परफॉर्म करेंगे घर पे बैठ के, कि कैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, किस तरह के एरर आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो हम ज़्यादा प्रॉपरली उसको गाइड देख पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। तो लॉजिकल एरर अगर की सॉरी रन टाइम एरर की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें अगर हम दो नंबर ले लेंगे और दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे आपस में और उनमें से एक नंबर ज़ीरो हो तो वो एक एरर की फॉर्म ही बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद ज़ीरो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा प्रोग्राम डिबगिंग क्या है, उसके बाद हमने प्रोग्राम को देखा, प्रोग्राम के अंदर किस तरह के एरर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का वो फिनिश हो जाता है, राइट। तो हमारा जो मॉड्यूल के 7 चैप्टर्स हैं उनमें से फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है विद दिस टॉपिक। सो फर्दर हम सेकेंड चैप्टर अपने नेक्स्ट लेक्चर में जरूर स्टार्ट करेंगे। सो Thank you, class. That's enough for today.